चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तुर्की में आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में बिल्डिंगों के नीचे मलबे में दबे परिवार वालों को सकुशल रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए गाजियाबाद की एनडीआरएफ टीम तुर्की पहुंची थी, जिसने लगातार दिन रात एक कर मेहनत करते हुए रेस्क्यू को जारी रखा, और जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद आज तुर्की से एनडीआरएफ की टीम भारत यानी कि देश वापस लौट आई है, जहां आज सुबह 10 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर यहां पर आपको बताते चले कि जवान पहुंचे हैं, जिसके बाद इनका यहां पर भव्य स्वागत किया गया है। ये स्वागत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख जवानों का भव्य स्वागत। 8वीं एनडीआरएफ की जहाँ तक बात करें, तो एक टीम जो पहली टीम इंडिया से गई थी, इंडिया 10 उस टीम का नाम इंसराक के गाइडलाइंस के मुताबिक था, तो उस टीम को मैं लीड कर रहा था और टीम ने बहुत ही अच्छा वहाँ पर काम किया है। और जहाँ तक एनडीआरएफ की एज अ होल बात करें, तो कुल 3 टीमें एनडीआरएफ की वहाँ पर काम कर रही थी। उन तीनों टीमों में कुल मिलाकर हम बात करें तो 2 लाइव रेस्क्यू वहाँ पर किए और 85 डेड बॉडीज़ कल तक निकाली जा चुकी। कुछ दिक्कतें वहाँ देखने को मिली हुई ऑपरेशन के दौरान, कुछ दिक्कतें वहीं सामना करना पड़ा, मौसम की अगर बात करूँ खासकर। देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत तो मौसम ही था, क्योंकि हम लोग इस मौसम में रहने के अभ्यस्त नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि हम विंटर के पीरियड से ही गए थे, तो -7 तक कोई मतलब हमारी जो क्लोथिंग थी और टेंटेज था वो इतनी अच्छी क्वालिटी का था कि उसके रहते हुए हमें इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। सिर्फ पहली रात जो हमारी थी, क्योंकि ट्रैफिक जैम की वजह से हम काफ़ी लेट हो चुके थे, तो लगभग 12:30-1 बजे जब हम वहाँ पहुँचे तो -7 में ओपन स्काई के नीचे थे। लेकिन सिखलाई इतनी मजबूत है कि हमारे जवान जो है उन्होंने विद इन 30 मिनट्स अपना कैंप स्टेब्लिश कर लिया था। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। रामपुर से खबर सामने निकल कर आ रही है। रामपुर के मिलक में रठौंडा किसान मेला 2023 के उद्घाटन के अवसर पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी मुख्य अतिथि के तौर पर रामपुर पहुंचे हैं और मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने मंच से जनता को संबोधित भी किया है, साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित आजम खान पर जमकर निशाना साधा है। पहले आप देखो कि आज जो भारत की धमक और नरेंद्र मोदी जी की धाक है, वो हमारे इसी सनातनी संस्कृति, संस्कार और सौहार्द का नतीजा है। आज जो भारत की धमक और भारत की धाक और नरेंद्र मोदी की धाक से जो लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, ऐसा साजिशी सिंडिकेट जो है, उनकी उसकी जो भारत मोदी बैशिंग की सनक है, वो भारत बैशिंग की साजिश का रूप लेती जा रही है। और आज देश में हर दिन एक नया फेक फैब्रिकेटेड शगुफा। और कुशीनगर से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बताते चले कि बेखौफ लुटेरों ने दुकान को बनाया है निशाना। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर कुशीनगर से, जहां आपको बताते चले कि बेखौफ लुटेरों ने दुकान को निशाना बनाया है। ताला तोड़कर 3 लाख का माल चोरी कर ले गए हैं बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ऐरोली थाना क्षेत्र के जगदीशपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णानंद हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। कृष्णानंद, क्या कुछ पूरा मामला है, जरा विस्तार से बताएं। ये पूरा मामला अरौली थाना क्षेत्र के जगदीश पटिया का बताया जा रहा है जी। जो है वो घर में चलाते हैं, लगभग दुकान में 3 लाख के लगभग उनके पास माल रखा हुआ था जो ऑर्डर के लिए रखे थे जी। जो कृष्णानंद, आपकी आवाज साफ तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही, जरा नेटवर्क में आइए आप, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस दुकान को निशाना बनाया गया है। एक बार फिर से कृष्णानंद से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से चोरों के हौसले बुलंद हैं कुशीनगर में आप देख सकते हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता कृष्णानंद पाठक हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। कृष्णानंद पाठक, एक बार फिर से वही सवाल आपसे कि आखिर चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, पुलिस इन पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? कहीं ना कहीं ये
है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है तो अरौली लगातार इस तरह के वारदात में कृष्णानंद बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। खबर छत्तीसगढ़ के चंपा से सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बता दें चले कि जिला मुख्यालय में स्विमिंग पूल पिछले 6 वर्षों से बना रहा है और जो अब पूरा हो चुका है और लोगों को लिए ये जल्द ही खोल दिया जाएगा। तो वहीं अभी निर्माणाधीन स्विमिंग पूल से पूल में सुधार कर पानी भरने को लेकर टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। बता दें कि अब तक 6 साल में 5 कलेक्टर बदल गए हैं। ठेकेदार की लचर व्यवस्था और ढिलमुल रवैये के कारण स्विमिंग पूल अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है आम लोगों के लिए। देखिए, लगातार नागरिकों के द्वारा और आप लोगों के द्वारा जो मांग किया जा रहा था कि स्विमिंग पूल को जल्दी पूरा करके लोकार्पित करना है, अब आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग टेस्टिंग के स्टेज में आ गए हैं। पानी भर रहा है, पिछले 2 दिनों से भर रहा है और मेरे ख्याल से 2 दिन का समय और लगना है पानी भरने में। 2 दिन के बाद में जब पानी पूरा भर जाएगा तो हम ये टेस्ट करेंगे कि ये पानी का सिपेज तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यह स्विमिंग पूल बने आ रहा है। पानी भरने के बाद में अगर लीकेज नहीं होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने के आखिर तक में, यानी कि मार्च में गर्मी शुरू होने से पहले ये आम नागरिकों के लिए लोकार्पित हो सकता है। कब से बन रहा है और कितना लागत से बन रहा है? ये लगभग 1,84,00,000 रुपए की लागत से बन रहा है और 2016 से इसका काम शुरू हुआ है। देर आए दुरुस्त आए, स्विमिंग पूल चालू होने की स्थिति में हो गया। जिस तरह भीमत लाभ में तत्परता की बात है तो यहाँ पर इस्टीमेट में भी थोड़ी गड़बड़ी थी। हमने जो पुराने समय में जो टाइल्स लगा था उसको पूरा तोड़वा के नया टाइल्स लगवाए और लोगों के लिए अच्छा से अच्छा व्यवस्था के साथ अब हम इस स्थिति में आ गए कि यहाँ की स्विमिंग पूल अब चालू की स्थिति में आ गए हैं। और अगली खबर बलिया से सामने निकल कर आ रही है, जहाँ के बलिया रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के सबरा टोहटा के बीच पूर्व प्रधान को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। गढ़वार थाना क्षेत्र के असनवार गांव के पूर्व प्रधान सुरेश वर्मा अपने गांव के 2 पक्षों के बीच हुए जमीनी विवाद मामले में रसड़ा तहसील से जामनगर, आपको बता दे चले कि रसड़ा तहसील से जमानत कराकर घर लौट रहे थे और उसी बीच अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हुआ था कि जमानत करा करके उन्हीं के आ रहे थे, उनका जमानत और वो चला रहे थे गाड़ी। अच्छा, और गाड़ी चला रहे थे, हम लोग ये बीच में बैठे थे, हम किनारे पर बैठे। अच्छा, और वहीं टर्निंग थी और वहीं पर गाड़ी बाइक लगा दी। कौन लगा बिता दी? कौन लगा पीछे से जो बाइक से आया? कौन थे वो? जानते आप लोग? नहीं। कहाँ था वो? वो जो है कि जो रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है सांवरा के तरफ लोहटा में जाने के लिए, उसके कुछ दूर आ गए, एक मोड़। किसी से क्या हुआ? बाइके से। अच्छा, उनको मृत्यु कैसे हो गई? वहाँ गोली मार दी। कौन गोली मार दिया? अब हम कहें किसको देखे कि कौन मार दिया? और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला है। वहीं युवक के पास से कई सुसाइड नोट भी बरामद हुए हैं, बरामद नहीं हुआ है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही मामले की जांच कर रही है। और कुशीनगर से एक और अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, 1 की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि कुशीनगर में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, 1 की मौत हो गई है। एक बाइक पर सवार थे 3 युवक गंभीर रूप से घायल, 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दरगौली से वापस आते समय ये हादसा हुआ है। हनुमानगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर ये हादसा हुआ है और जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर प्रतापगढ़ से सामने निकल कर आ रही है जहां पर कुंडा में राजा भैया के डिग्री कॉलेज में परीक्षा देकर परीक्षा केंद्र से घर जा रही बीएड की छात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। जहां दिन दहाड़े हुए घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूछताछ कर रही है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा ने बताया है कि फायर करने वाला छात्रा का रिश्तेदार है और परीक्षा देकर जैसे ही छात्रा बाहर निकली आरोपी से कहा सुनी होने लगी और जिसके बाद युवक ने छात्रा के ऊपर फायर झोंक दिया। इस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। ये आज कस्बा कुंडा में एक छात्रा जो बीएड का एग्जाम देकर डिग्री कॉलेज से निकल रही थी तो वहां पर बाहर एक युवक जो कि उसके मदर की बुआ का लड़का है उसके द्वारा उसे रोका गया और रोकने के दौरान कुछ आपस में वाद विवाद हुआ और जिस पर उस युवक ने फायर कर दिया था वो लड़की बाल बाल बच गई है और सुरक्षित है। इस संबंध में मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और तहरीर प्राप्त करके एफआईआर दर्ज की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्राप्त तथ्यों के अनुसार नियमानुसार की जाएगी। और अगली खबर सिद्धार्थनगर से है जहां यूपी बोर्ड की परीक्षा में द्वितीय पाली की परीक्षा देने जा रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई है। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के भड़रिया गांव के कासिफ कमर इंटर कॉलेज की द्वितीय पाली की परीक्षा देने जा रहा था ये छात्र। वहीं भवानीगंज थाना क्षेत्र के सिलोखरा चौराहे के पास तकियावा पुल पर दो बाइक आपस में टकरा गईं और जिसमें छात्र कासिफ कमर की मौके पर मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हमारे यहाँ डॉक्टर एम के वर्मा द्वारा जब उसका जांच किया गया तो ये पाया गया कि वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है और उसके सर में चोट लगी हुई है। सर में चोट लगने के कारण उसके नाक और कान से खून भी आ रहा था, गैस्पिंग कंडीशन में था, सेचुरेशन उसका गिर रहा था। तत्काल डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करते हुए उसको ऑक्सीजन दिया और हमने दवाइयां दी और हायर सेंटर के लिए एम्बुलेंस को कॉल करके तत्काल बस्ती जिला अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया। अगली खबर आगरा से सामने निकल कर आ रही है। आगरा नगर निगम और मोटर स्पोर्ट क्लब आगरा के संयुक्त तत्वाधान में द आगरा ताज कार रैली का आयोजन 17 मार्च से 19 मार्च 2023 को किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि आगरा मोटर स्पोर्ट्स क्लब के हरविजय सिंह ने बताया है कि इस बार स्थानीय और राष्ट्रीय स्टार के प्रतिभागियों का काफी रुझान देखने को मिला है। वहीं 12 फरवरी को रजिस्ट्रेशन खोले गए थे और सुपर सर्विस ऑफर केवल 28 फरवरी तक या पहली 15 एंट्री तक ही वैलिड है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती विवाह के उत्सव का क्रम गुरुवार से विश्व नाथ मंदिर के महंत आवास पर भी आरंभ हो गया है। बता दें कि टेढ़ी मीम स्थित महंत आवास पर बाबा के रजत विग्रह का प्रतीक आगमन हुआ है और यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ने लगी है। आज विजयादशी एकादशी है, विजया एकादशी है। आज हमारे महंत आवास में बाबा का हल्दी तेल हो रहा है जिसमें मोहल्ले की महिलाएं
घर की महिलाएं कुंवारी और है शादी सभी महिलाओं को सौभाग्य प्राप्त होता है, उनका सुहाग और अजर अमर रहता है। इसलिए हल्दी तेल लगा के बाबा को हल्दी तेल लगाने का जो फल मिलता है वो जो तो भगवान शंकर का परसों विवाह है। महाशिवरात्रि जो सर्वविदित है, सारे देवालय सारे शिवालय में परसों भीड़ रहेगी। विश्वनाथ जी में जो आरती होगी, चारों आरती, रात भर बाबा का विवाह होगा, महंत आवास में विवाह होगा। लेकिन जो चल प्रतिमा का होगा, अचल प्रतिमा का विवाह मंदिर में, चूंकि शिवलिंग रूप में है, वहाँ पे जो है सप्तऋषि लोग, सात ऋषि लोग मिलकर रात भर चारों आरती जो है मंदिर रात भर परसों खुला रहेगा। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।